हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के नीटिंग क्रिएशन। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर में बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आता है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल में फंदे लेके और 2 फंदे प्लस कर लेंगे, जैसे 6, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, लास्ट में हमारे 2 फंदे बच जाने चाहिए, तो हमारा ये डिज़ाइन सही से सेटल हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 6 के मल्टीपल में फंदे डाल के और 2 फंदे प्लस किए हैं, तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है। ये डिज़ाइन हमारा पहली सिलाई से बनना शुरू हो जाता, तो हम ये पहली सिलाई पूरी धागा पीछे करके ऐसे पूरी सिलाई को सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। दो रंगों का बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया और बनाना तो बहुत ही आसान है। आप इसको बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। 6 के मल्टीपल फंदे लेके और 2 फंदे प्लस कर लीजिएगा। ये हमारी फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे, बैक साइड में धागा अपनी तरफ करेंगे और इस पूरी रो को उल्टा बना देंगे। इस पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सेकंड रो बन के तैयार हुई। देखिएगा फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ हमारी एक कलर की आएंगी और 2 एक की आएंगी। अब हम यहाँ पे सेकंड कलर लगाएंगे, तो यहाँ पे ये पहला फंदा हमारा एच स्टिच है, इसको हम सीधा बनाएंगे एक फंदा, फिर 2 फंदे और हम बना देंगे। 3 फंदे हमारे इस कलर के बन गए। अब 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे ब्लू कलर के बनाएंगे, 2, 3, 4, फिर स्लिप करेंगे 2 फंदे, फिर 4 फंदे फिर बनाएंगे, 4 फंदे फिर ब्लू कलर के बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे ब्लू कलर के बनाएंगे, फिर 2 फंदे फिर स्लिप करेंगे, फिर लास्ट में हमारे फिर वही 3 फंदे आ जाएंगे जैसे हमने यहाँ स्टार्ट में किए थे 3 फंदे। ये 3 फंदे बना लेंगे। अब आएंगे हम बैक साइड में डिजाइन की सेकंड रो में। ये जो ब्लू कलर के फंदे हैं ये यहाँ से सीधे थे, तो अपनी तरफ से ये उल्टे बनेंगे अब बैक साइड से। अब ये 2 फंदे जो बगैर बुने थे इनको अब फिर बगैर बुने ही लेंगे, ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, फिर ये 2 फंदे हैं जो इनको स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे हैं जो इनको फिर स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे फिर स्लिप कर लेंगे, फिर ये 3 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। ये हमारी ब्लू कलर की 2 सिलाइयाँ बन के तैयार हुई। अब आएंगे हम सेकंड कलर चेंज करेंगे, तो ये एक फंदा हम वाइट कलर में बनाएंगे और जो ये वाइट फंदा है इसको इस सिलाई में डाल लेंगे और ये 2 निकाल देंगे, इसको अंदर कर लेंगे इसके, और फिर यहाँ पे डाल देंगे और इस फंदे को वाइट में बना देंगे।
फिर ये दोनों फंदे भी हम व्हाइट कलर के ही बनाएंगे। ये भी हम व्हाइट कलर का बना देंगे। अब फिर जो हमारे ये चार फंदे हैं ब्लू कलर के, दो फंदे इनके अंदर आ जाएंगे, ये दो फंदे यहाँ पे आ जाएंगे, तो इनको पीछे से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे इस वाइट फंदे को बाहर कर लेंगे और ये ब्लू फंदे अंदर की तरफ करेंगे और इनको सीधा बना देंगे ऐसे, इस वाइट को भी बना देंगे अब ऐसे। फिर इस वाइट फंदे को इस सिलाई में लेंगे और ब्लू को निकाल देंगे और इनको पीछे की साइड से इस नीडल में डाल लेंगे। इस फंदे को वापस लेंगे और इसको वाइट बुन देंगे ऐसे, फिर दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे ये। फिर जो ये चार हैं हमारे, दो यहाँ पे आ जाएंगे, दो यहाँ अंदर आएंगे, तो इनको पीछे की साइड से ही लेंगे ऐसे और इसको निकाल देंगे। इस वाइट को इस नीडल में लेंगे और ये दो वापस इसी नीडल में डाल लेंगे और फिर इनको बुन देंगे सीधे ही दोनों फंदों को। अब इस वाइट को भी बुन देंगे, ये हमारी पूरी रो वाइट ही बनती जाएगी। अब फिर इस वाइट फंदे को इसमें डाल लेंगे और ब्लू को निकाल देंगे और इनको पीछे की साइड से इस नीडल में दूसरी में ले लेंगे, ऐसे डाल के इसको सीधा बना लेंगे। फिर ये दोनों फंदे फिर सीधे बनाएंगे जो अंदर की तरफ करे थे, जो हमारे ये बाहर की तरफ आएंगे ब्लू फंदे, दोनों साइड से दो दो फंदे वाइट के अंदर आ जाएंगे। ये यहाँ से लेंगे, इस नीडल में डाल लेंगे और इस वाइट को निकाल देंगे, यहाँ से ले लेंगे, पीछे की साइड से फंदे डालेंगे और इनको बुन देंगे। ये हमारी वैसे पूरी रो सीधी ही बनती जाएगी। अब फिर जो ये दो फंदे हैं बीच में स्लिप, इसको एक को यहाँ निकाल लेंगे और ये दो अंदर कर लेंगे, ये ब्लू वाले इसको ऐसे डाल लेंगे, इसको बुन देंगे, फिर ये दो फंदे बना लेंगे, फिर ये दो ब्लू हैं जो इनको अंदर लेंगे और वाइट को बाहर करेंगे ऐसे, फिर इनको वाइट ही बुन देंगे सीधा, फिर इसको भी बुन देंगे और ये एच स्टिच है इसको भी बुन देंगे। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड में ये हमारी पूरी रो उल्टी बनती जाएगी ऐसे, इसको धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। ये हमारे इस डिजाइन में दो दो सिलाइयाँ एक एक कलर की बनती जाएंगी, फिर दो सिलाई बनाएंगे कलर चेंज करते जाएंगे और चार चार सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे, तो हमारा डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा और बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान डिजाइन है। ये हमारी पूरी रो उल्टी बन के कंप्लीट हुई। अब आ गए हम सीधी तरफ, सीधी तरफ अब फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, ये हमारी चार सिलाइयाँ ऐसे बन के तैयार हुई और हमारा डिजाइन भी बनता नजर आने लगा। अब फिर हम ये कलर चेंज करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे, ये तीन फंदे ब्लू कलर के बनाएंगे स्टार्ट में, एक फंदा एज स्टिच, दो फंदे फिर ब्लू कलर के, फिर दो स्लिप करेंगे ऐसे और फिर चार फंदे सीधे बनाएंगे चार, फिर दो स्लिप करेंगे और फिर चार सीधे बनाएंगे, दो तीन चार, फिर दो स्लिप करेंगे और फिर चार फंदे सीधे बनाएंगे, तीन चार, फिर दो स्लिप करेंगे और लास्ट के तीन फंदे फिर बना देंगे सीधे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब फिर हमारी ये फर्स्ट रो ही आ गई। अब सेकंड हमारी फिर वही बनेगी, चार उल्टे दो स्लिप, चार उल्टे दो स्लिप। आगे फिर हम इन फंदों को फिर चेंज कर देंगे, यहाँ से सफ़ेद फंदा बाहर कर लेंगे और दो फंदे ये अंदर कर लेंगे, दो यहाँ से अंदर करेंगे, दो यहाँ से, ऐसे ही हम इन चार चार सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे।
देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे चार चार सिलाई रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन बन के आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।